कैसे हैं आप लोग? मैं और प्रियांश चल रही है मार्केट। प्रियांश अभी खेल रहा है, तो अभी हम मार्केट निकल रहे हैं। मार्केट में कहाँ जाना है, प्लेस फाइनल नहीं है, तो अब निकल रहे हैं। जहाँ पे भी पहुँच जाए घूमने जा रहे हैं, घूम के आ जाएंगे शाम तक। एंड प्रियांश अकेले इंजॉय कर रहा है, तो अब हम दोनों ना बाइक राइडिंग पे जाएंगे। बाइक राइडिंग तो संडे को हम निकल ही जाते हैं, तो कल सैटरडे था, सैटरडे को भी निकलते हैं। पर कल प्रियांश के स्कूल में एग्जीबिशन था, तो आज हम ना ऐसे निकल रहे हैं। प्रियांश यहाँ से नीचे देख रहे, प्रियांश गिर जाओगे? नहीं गिरूंगा। नजारा देखोगे, बैठ के नजारा देखेगा नीचे का। ओके हेलो, तो बोल दो से हेलो। हेलो हेलो बोलेगा नहीं, वो खेलने के मूड में है, छोटा बच्चा है ना। हाँ, ये खेलने के पूरे मूड में आ गया। हम लोग कुछ देर बाद बाइक राइडिंग करते हुए हम ना निकल गए हैं। ये बोले ना कि कैनॉट प्लेस चलते हैं, तो वहाँ पे घूम लेंगे। तो हम बाइक से ही ना कैनॉट प्लेस के लिए निकल गए हैं। तो अब पहुँच गए हैं अभी लक्ष्मी नगर। यहाँ पे ना ISPCS की तैयारी होती है। प्रियांश को मैं बोल रही हूँ, प्रियांश यहाँ ISPCS की तैयारी होती है, ब्लू बत्ती गाड़ी तुम्हें मिलेगा, तुम भी ISPCS बन जाना। तो कहता है कि मैं नहीं बनूंगा। बोली तुम्हें बनने का शौक हो या ना हो, बन जाना, मैं भी पीछे गाड़ी के पीछे बैठ जाया करूँगी। तो ऐसे ही मस्ती करते करते ना लक्ष्मी नगर से हम ना फिर आगे ITO की तरफ निकल गए हैं। तो फिर यहाँ से मतलब आगे जाके लक्ष्मी नगर से हम टर्न ले लिए। एक्चुअली ना मतलब रास्ता पता नहीं था, इसलिए बाइक से इधर आ रहे थे। तो इधर का रास्ता ना आगे जाके आनंद विहार में मिल जाएगा। तो फिर ना ऐसे रॉन्ग टर्न लेके हम ना ITO वाले रास्ते को पकड़ लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम ITO वाले रास्ते में जाएंगे। यहाँ पे ISPCS की तैयारी होती है लक्ष्मी नगर में। प्रियांश को बोली, प्रियांश तुम भी पढ़े हो के यहीं पे आना, तैयारी करना, मेरे घर से तो पूरा पास है। तो कहते हैं मुझे ISPCS नहीं बनना है, मुझे ये बनना है, क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है क्या बोल रहा था। फाइनली ये अक्षरधाम वाला हाईवे और हाईवे को क्रॉस करते हुए मतलब नीचे से भी अच्छा सा रास्ता जा रहा है, 4-way lane है। यहाँ पे ना लोग कबूतर को दाना खिलाते हैं। दिलवालों की शहर में, दिलवालों का शहर दिल्ली में ना लोग सबके लिए दिलवाले होते हैं। तो पशु पक्षियों को कोई आके यहाँ पे हाईवे पे दाना डाल के जाता है। बहुत सारे कबूतर यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा ही, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी मुझे कबूतर बहुत पसंद है, मैं पालती नहीं हूँ। बाइक राइडिंग कर रहे थे, बाइक राइडिंग करते 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 कहीं उतरे नहीं हैं। प्रयास और मैं बाइक में बैठ के जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं वापस जा रहे हैं। सनलाइट सामने से पड़ रहा है बहुत तेज, आप खुले का नहीं ले रहा। तो अब हम घर के लिए रुक कर रहे हैं, घर के लिए निकल रहे हैं। CP के तरफ बहुत ज़्यादा लंबा जाम था, मतलब ITO से ही आगे ना बहुत ज़्यादा जाम था। कम से कम ना 2 घंटे जाम में हम खड़े ही रह जाते। तो फिर हम ना ऐसे कहे ना कि चलो मतलब हम CP नहीं जाएंगे, कैनॉट प्लेस नहीं जाएंगे। मतलब फाइनल हो गया कि कैनॉट प्लेस नहीं जाएंगे, एंड फाइनली हम ना बैक हो जाते हैं। तो ये यूटर्न ले लिया एंड हम ना फिर घर के लिए वापस आ गए। तो ये प्रियांश क्या कर रहे हो? प्रियांश देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ उठो, कॉइन का देखिए पहाड़ कैसे बनाया हुआ है। ये कौन सा गेम चल रहा है प्रियांश? अब बुर्ज खलीफा को मैं गिरा देता हूँ। ये तुम्हारा बुर्ज खलीफा था जो गिर गया है? बुर्ज खलीफा को प्रियांश खुद से गिरा दिया। पैसा गुम हो जाएगा तभी भी आ जाएंगे इतने सारे पैसे। इतना ज्यादा कह रहा है कि मैं बुर्ज खलीफा को गिराया हूँ, इतना पैसा है कि फिर से आ जाएंगे। अकेले प्रियांश खेल ले रहा है बुर्ज खलीफा बना बना के ना। प्रियांश प्रियांश बाहर से तो कुछ नहीं खाया, तो कहा कि मैं कुछ खाऊंगा। तो अपने मामा के साथ गया है प्रियांश पिज्जा लाने के लिए। फर्स्ट ये दोनों डिसाइड करके घर से निकले कि हम वहीं खाएंगे, फिर क्या पता क्या मूड किया होगा। तो फिर ना ये दोनों क्या है कि मम्मा के लिए भी पैक करा के ले जाएंगे। तो प्रियांश तुम क्या खा रहे हो? पिज्जा। ये तुम्हें खाने आता है? वाओ, प्रियांश को तो पिज्जा खाने आता है और रोटी सब्जी नहीं खाने आता है। प्रियांश खुद से रोटी सब्जी तो नहीं खा पाते हो, पिज्जा तो फट फट खा रहे हो। ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ कि पिज्जा बर्गर
मैगी चाउमीन खा लेते हैं और रोटी सब्जी नहीं खा पाते हैं। प्रियास तुम बताओ, पूरा ठेल ठेल के मतलब बाहर नहीं निकल जाना चाहिए ना प्रियास, कोई उसके हिस्से का खा ना जाए, नजर भी पूरा अलर्ट पोजीशन में है। अभी ये मेरा दूध गर्म हो चुका है, रोटी बन रहा है, आखिरी रोटी इसे बनाना है, उसके बाद मेरा काम छुट्टी। आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा रोटी बनाती हूँ। गाइस ये लास्ट रोटी है, जैसे बनाने के बाद मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा। तो फिर ना मैं आज, मुझे थोड़ा सब्जी लेने के लिए बाहर जाना है अभी, एंड प्रयास चला गया है ट्यूशन, तो फिर वो 8 बजे के आसपास में आएगा, तब तक मेरा काम है इसे जल्दी से बना के, और हम खाना ना जल्दी खा लेते हैं, रात को हम 8 बजे तक खा लेते हैं, ठंडी के दिन में जल्दी खाते हैं, गर्मियों में थोड़ा लेट खाते हैं, तब भी हम लेट क्या 8:30-9 बजे तक खा ही लेते हैं, और ठंडे में तो ज्यादा जल्दी खा लेते हैं, 7:30 से 8 बजे के अंदर खा लेते हैं। तो हमारा खाना खाने का टाइम हो चुका है, प्रियांश आएगा तो उसे खिलाना होता है, इसीलिए मैं ना इसके पापा को खाना खिला दूंगी, और खाना खिलाने के बाद क्या होगा कि खुद भी खा लूंगी, फिर प्रियांश आएगा उसे मैं खाना खिलाऊंगी। तो आज ना हम घूमने निकले थे, कहीं घूम नहीं पाए क्योंकि मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, तो हम बाइक से ही वापस आ गए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। एंड आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।